हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का वीकली ब्रेकआउट लेवल 2100 के आसपास है, 2097 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाएगा। और मेजर रेजिस्टेंस 2130 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे 2068 की क्लोजिंग हुई है और प्रीवियस डे का जो लो है 2078 अप्रोक्सीमेट और 2066 मीन्स कल का लो, फ्राइडे का लो और उससे डीपर लो 2066 एक मेजर सपोर्ट है। इसके ऊपर, इसके आसपास बॉटम बना करके रिवर्स करे, 2097 को क्रॉस करे, सस्टेन करे तो नेक्स्ट लेवल 2111, 2127 और 2127 के आसपास का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा उछाल मार सकता है 2180 से 2200 रुपए तक का। क्या चांसेज है? चांसेज ये है कि ये स्टॉक 2130 रुपए 2130 के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे 2066 के आसपास सपोर्ट फेस करेगा। अगर मैं एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस बात करूं तो सेम लेवल आ रहा है 2135 मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट 2043 डीपर स्टॉप लॉस 2043 एंड 2066 ये निचले लेवल पे बाइंग जोन होंगे और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो होगा 2120 से लेकर 2135 ये एक कंसोलिडेशन का रेंज है। जिस दिशा में चलेगा, जिस दिशा में 2135 टूट गया तो एक बड़ी तेजी करेगा और 2043 को तोड़ देगा तो एक अच्छा खासा मंदी कर सकता है। तो ये एज फॉर एनालिसिस मुझे क्या लगता है, रेंज बाउंड 2130 रुपये से लेकर के 2060 के रेंज में 10-20 रुपया ऊपर नीचे। तो ये रहा रिलायंस का इस हफ्ते का ट्रेंड एनालिसिस, वीकली ट्रेंड एनालिसिस। इस तरीके का वीकली ट्रेंड जानने के लिए चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के बाद डिस्क्लेमर याद रखिए, ये एजुकेशनल लर्निंग वीडियो है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।